बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हनुमान कथा कर रहे हैं। यहां उन्होंने सरकार से मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने कई वजह भी बताई है। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत के कई शहरों के नाम बदले गए। बागेश्वर बाबा ने कहा कि जब फैजाबाद को अयोध्या और इलाहाबाद को प्रयागराज किया जा सकता है, तो अब मुरादाबाद का नाम बदलकर माधव नगर कर दिया जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, जिस नगर में सिद्धबली हनुमान मंदिर, हरिहर मंदिर, शीतला माता मंदिर, कालका माता मंदिर, नीम करौली बाबा का मंदिर हो और जहां मां गंगा प्रकट हुई हो, ऐसे नगर को मुरादाबाद कहना पवित्र मंदिरों की अवहेलना है। मुरादाबाद को माधव नगर कर देना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इससे पहले भोपाल का नाम बदलने की मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वे भोपाल नहीं जाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये मांग अपने गुरु रामभद्राचार्य से भी उठाई थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव से भी खंडचूरी का नाम बदलने की मांग की थी। बागेश्वर बाबा ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव देते हुए कहा था कि इसका नाम बदलकर कौशल्याधाम कर देना चाहिए। उस वक्त मौके पर सीएम भी मौजूद थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि उन्हें हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने की चाहत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जिसको पॉलिटिक्स में जाना हो या जिस स्थान पर सदियों तक अपने नाम के यशगान की अपेक्षा हो, वो ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सनातन की जागृति और सनातनी हिंदुओं में एकता।